समर्थन देने आता हूँ, रोज आता हूँ अपना काम छोड़ के। और क्या, इससे बड़ा काम थोड़ी है। ये हमारी बहन बेटी है और रात में 12 बजे तक कमाएंगे, गाड़ी चलाएंगे। जोड़ा साहब चौकीदार, नाम बताइए। अरे आपको भी तो पता होगा जोड़ा साहब कौन है। कौन है? पूरा इंडिया जान रहा जोड़ा साहब कौन है। अब वो चूड़ी वाली जो है कहाँ नजर ही नहीं आती है। कौन चूड़ी वाली, नाम लेके बताइए। अरे वही स्मृति ईरानी जो मनमोहन सिंह जी को चूड़ी। अरे मोदी जी से क्या पूरा देसी नाराज चल रहा है, देख रहे हो सिलेंडर कितना 1200 रुपया का। स्मृति ईरानी चिल्लाती थी, ये 400 रुपये में चिल्लाती थी चूड़ी। क्या हम घर वाले को छोड़ कर भागे, परिवार को छोड़ कर भागे, गहने चोरी करके भागे अपनी माँ के? ऐसी कुछ नहीं है। कौन गहना चोरी कर? अरे भाई तड़ी पार के भाई। जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे पहलवानों का प्रदर्शन लगभग 10-12 दिन से चल रहा है और मेरे साथ हैं। आप इनके कपड़ों से पहचान सकते हैं कि ये ऑटो चलाते हैं। आप ऑटो चलाते हैं और ये कुछ बोल रहे थे तो मैंने सुना कि इनसे बात करें। चूरी वाली आपने किसको कहा? प्रधानमंत्री को चूरी भेजती है? हाँ, मनमोहन सिंह जब थे तो चूरी भेजा करती थी। अब वो चूड़ी वाली जो है कहाँ नजर ही नहीं आती है। कौन चूड़ी वाली, नाम लेके बताइए। अरे वही स्मृति ईरानी जो मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेजा करती थी। आज स्मृति ईरानी का आता पता नहीं है कि बाल विकास मंत्री है वो। आप यहाँ क्या करें, आपका क्या लेना देना? समर्थन देने आता हूँ, रोज आता हूँ अपना काम छोड़ के। और क्या, इससे बड़ा काम थोड़ी है। ये हमारी बहन बेटी है और दो दो बेटी है हमारे पास। इस इन खिलाड़ियों के जैसे अकेले कमाने वाले होंगे घर? हम बिल्कुल अकेले। काम धाम छोड़ के आप यहाँ इनके समर्थन में आए? हाँ बिल्कुल, रोज आते हैं, आज थोड़ी आए, रोजाना हमको देखते हो। घर कैसे चलेगा आपका? ऊपर वाला कमाई करवा देते हैं, रात में 12 बजे तक कमाएंगे, गाड़ी चलाएंगे। इतना क्यों नाराज है मोदी जी से? अरे मोदी जी से क्या पूरा देसी नाराज चल रहा है, देख रहे हो सिलेंडर कितना 1200 रुपये का। स्मृति ईरानी चिल्लाती थी, ये 400 रुपये में चिल्लाती थी चूड़ी भेजती थी। आज वो चुपचाप क्यों है? हैं, अब स्मृति ईरानी को आना चाहिए, यहाँ समर्थन देना चाहिए, बोलना चाहिए, हैं। मगर स्मृति ईरानी का अता पता कुछ नहीं है। और मोदी जी तो देख नहीं रहे कितना। सब लोग कह रहे हैं ये लोग परिवार बात कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्या परिवार, ये तो देश की बेटी है, परिवार बाहर कहाँ से? जो भी संसद में आए हैं ये सब परिवार वाले ही हैं। जो जिसका परिवार नहीं है वो तो झोला उठा कर 35 साल भीख मांग रहे हैं। ये जितने भी बंदे हैं यहाँ पे सब परिवार वाले हैं। और जो ये खिलाड़ी हैं ये भी परिवार से ही हैं, हम भी परिवार वाले हैं। हम चौकीदार नहीं है कि हम घर वाले को छोड़ कर भागे, परिवार को छोड़ कर भागे, गहने चोरी करके भाग गए अपनी माँ के? ऐसी कुछ नहीं है। कौन गहना चोरी कर? अरे भाई तड़ी पार के भाई, बड़े वाले झोला छाप। नाम बताइए। झोला छाप चौकीदार, नाम बताइए। अरे आपको भी तो पता होगा झोला छाप कौन है। कौन है? पूरा इंडिया जान रहा झोला छाप कौन है। जेल जाना है प्रधानमंत्री को, आप ऐसी बात? अरे कोई बात नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी में नाम आएगा, क्या बात है। जो लोग प्रोटेस्ट में जेल गया, झूठे मुकदमा लगाया, आज दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ जाता सुप्रीम कोर्ट में उसका केस को खारिज करने के लिए। बस दिल्ली पुलिस को भी सोचनी चाहिए, ये देश का लोग है, कोई बाहरी नहीं है, पाकिस्तानी लोग नहीं है, ये देश के लोग है, ये देशभक्त लोग है। जो बोल रही है कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस से क्या मतलब, किसी पार्टी से क्या मतलब, हर पार्टी आता है। शोषण हुआ ही नहीं है? शोषण हुआ ही नहीं तो ऐसे पागल है लोग, ये लोग जो 12वां दिन है अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, किसके पास टाइम है, है? वो लोग कल तो मारपीट भी किया गया दिल्ली पुलिस दो लोगों को। वो छात्र का, ये सब बकवास वाली बात है। ये हिटलर शाही चल रहा है, जिसको पाए उसको उठा के जेल में बंद कर दो, जिस पे चाहे झूठा मुकदमा डाल दो, देश की ऐसी सत्यानाश कर रहा है। देखो ना महंगाई किस चरम पे है, मगर लोग पब्लिक जाग ही नहीं रहा। ये बीच में दीवार डाल दिया नफरत का, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, दिन रात टीवी एंकर ने यही दिखा दिखा के ऐसा भय पैदा कर दिया है कि क्या बोलूं भाई। अब देखो 3-4 दिन पहले घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया, बजरंग दल पे बैन करने की बात कर रहा। अब तुम ऐसे लोग इतने भारत के प्रधान हो,
चौकीदार कहलाते हो, मगर हम आपको नहीं मानता हूँ। बजरंग दल पे बैन करने की बात कही तो उन्होंने बजरंग बली को भी, बजरंग बली को एक दूसरे समुदाय को लड़ाने का काम सदा किया है, आज भी वही 3-4 दिन पहले किया। इस बजरंग दल जो है ये जहाँ भी ये हिंसा फैलाने में काम करता है, आज देखो बिहार में जो PFI को भी बोल रहे हैं बैन कर देने। हाँ तो उसको भी उसका भी नाम लिया है, कोई PFI आतंकी संगठन कोई भी हो वो बैन होना चाहिए। आतंकी संगठन थोड़ी है। अरे दंगा कौन करा रहे हैं आप ये पता करो, ये बताओ दंगे के लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सभी धर्मनिरपेक्ष कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वहाँ वो हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं, वो क्यों बजरंग बली का नाम ले रहे हैं? बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर नहीं है क्या? अगर बजरंग दल कोई दंगा फसाद करता है तो क्या वो बजरंग, कल को अब मैं क्राइम करके अपना नाम राम रख लूँ तो क्या मैं शुद्ध हो जाऊँगा? नहीं ना। तो ये एक प्राइम मिनिस्टर है, लोकतंत्र के प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारा जो कंट्री है धर्म, उन्होंने बोला वो गलत, हमारा देश धर्म निरपेक्ष है वो सभी के, तो क्या कल को बोलेंगे कि जय अल्लाह बोलेंगे क्या? नहीं ना। उन्होंने कहा जिस तरीके से, उन्होंने नहीं कहा, लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान है तो हिंदू कंट्री हिंदुस्तान क्यों नहीं होना चाहिए? पहले बताओ बिना नहीं आप धर्म को अमेंडमेंट, हिंदुस्तान है नहीं क्या ये बताओ आप? 80% हिंदू है देखो, और उनको भी डरा रहे हैं। संविधान क्या कहता है? धर्म निरपेक्ष है, बिना उसमें अमेंडमेंट किए आप घोषित कर दोगे? जो देश का झंडा, देश का झंडा तिरंगा विदेशों में जाकर फहराया था, वो खिलाड़ी देखो रोड पे बैठे हैं आज, आज 11वां दिन है, उनका क्या हाल है? पहले ये भारत के खिलाड़ी थे, पहले भारत के खिलाड़ी थे, आज ये हरियाणा से जोड़ दिए, भाई हरियाणा खिलाड़ी हैं। और ये देखो आप रेसलिंग में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से हैं, आप देख लो कहीं भी जितने भी। ब्रिजभूषण सरन सिंह दावा कर रहे हैं कि इनमें से एक देखना राजनीति में कल को लड़ेगा किसी पक्ष के लिए या राजनीति में, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ जाए हैं। चोर अपने को कहीं बोलता है कि मैं राजनीति में, राजनीति में तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी आ रहे हैं, राज्यसभा बना रखे हैं, आपने पता होगा देश को पता है, तो वो तो जो ऐसे आज झूठी बात करते रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं, जुमले ही जुमले हैं, बाकी पब्लिक को देने के लिए क्या लग रहा है कब तक न्याय मिलेगा? न्याय तो ये है, किसान आंदोलन हुआ था वो 13 महीने रहा, तो 13 महीने तो सरकार के पास ही नहीं है, 13 महीने तो सरकार के पास ही नहीं बचे हैं, तो ये तो जिद्दी कम है जी, पहलवान है इनमें बुद्धि कम हो है, ये दम के दिखा रहे हैं अपना, और दम अपने दम पर जीतेंगे, संविधान के बल पर जीतेंगे। ये देख लीजिए बहुत बड़ा सवाल है, ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार के पास, जब किसान आंदोलन हुआ था वो 13 महीने चला था, लेकिन सरकार के पास तो इतना वक्त भी नहीं है, ये लोग लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हिंदू राष्ट्र का बात, हिंदू राष्ट्र हो सकता है? आप बताओ 300 कितना सीट है, 303 सीट है ना मोदी जी के पास, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? क्षमता नहीं है क्या कि ताकत नहीं है आपके पास? 303 पे वो तो चादर भी चढ़ाने जा रहे हैं। अरे वो ढोंगी है वो, उसको ये बकवास वाली बात है, दरगाह पे चादर नहीं, 35 साल भीख मांग के दिखा रहे, मोदी जी ने खुद बताया था 8वीं पास राजा होगा तो देश का हाल यही होगा जैसे आज हो रहा है। केजरीवाल की जवाब अभी देखो ना आप, इन्होंने 13 महीने बारिश में, सर्दी में, गर्मी में किसान को बिठाया, हरियाणा में जो सरपंच थे उनको पीटा, जो सरपंच है वो प्रधान का मुखिया है, वो गांव का मुखिया है, गांव की इज्जत है, उनको भी जूत मारे इन्होंने। अब ये जो देश की शान है, देश की शान है ये हरियाणा की नहीं, ये देश की शान है, आज ये जंतर मंत्र पर मजबूर हैं, ये किस लिए मजबूर हैं? अगर राजा समझदार होता तो ये जो खिलाड़ी हैं देश का जो मान सम्मान है या तंत्र मंत्र पे नहीं होते, 8वीं फैल राजा होगा तो देश का हाल यही होगा। देख सकते हैं ये लोग केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं, केजरीवाल ने कहा था 4वीं पास राजा होगा तो देश का ऐसा हाल होगा, और ये बोल रहे हैं 8वीं पास राजा होगा तो देश का ऐसा हाल होगा। आप लोगों की पूरी इस खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।